भगवान व्यास ने वेदना व्यक्त की है। कलयुग आने पर बहुत सारे मनुष्य महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगे गए, उसका कैसे मंगल होगा, उसका कैसे कल्याण होगा। जैसे भगवान व्यास जी ने वेदना व्यक्त की है कि भगवान शिव को छोड़कर अन्य स्थानों पर भटकेंगे लोग, और वहां तक व्यास जी ने कह दिया कि जिनके इष्ट देव महादेव हैं, जिनके पूर्वज महादेव की पूजा करते थे, वो ब्राह्मण भी शिव को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगे गए। ब्राह्मण कुल का इष्ट भगवान शिव है, ब्राह्मण के पूर्वजों का भगवान इष्ट महादेव है, ब्राह्मण कुल का भगवान महादेव है। हम सभी जानते हैं ब्राह्मण समाज में नाम के पीछे शंकर लगाया जाता था, लाभ शंकर, बुध शंकर, जटा शंकर, गंगा शंकर, सोम शंकर, बुध शंकर, ये शंकर कहाँ गायब हो गया। भगवान व्यास जी ने वेदना व्यक्त की, मेरे पास श्लोकों के साथ प्रमाण है सब कुछ, कि व्यास जी ने गर्जना करके कहा कि कलयुग आने पर जिन ब्राह्मणों का इष्ट महादेव है, जिस ब्राह्मणों का आराध्य भगवान महादेव है, वो भी ब्राह्मण शंकर को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगेंगे, और वेदना व्यक्त करी कि उसका कैसे मंगल होगा।